सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोविज इंडिया को और बेल आइकन को क्लिक कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि पेपल अकाउंट क्या है, ये अकाउंट कैसे बनता है, इसका क्या क्या फायदे हैं, इसको कैसे यूज करते हैं, तो आप ये वीडियो पूरा वीडियो देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ, आप देख रहे हैं टेक्नोविज इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पेपल एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से आप पेमेंट कर भी सकते हैं और पेमेंट रिसीव भी कर सकते हैं। फिर चाहे आप शॉपिंग कर रहे हो या किसी इंडिविजुअल से पेमेंट ले रहे हो या किसी इंडिविजुअल का पेमेंट कर रहे हो, तो हर मामले में पेपल आपकी मदद करता है। बेसिकली हर मामले में पेपल आपकी मदद करता है कि आप दुनिया भर में किसी कहीं से भी पेमेंट ले भी सकते हैं, कहीं से पेमेंट सेंड भी कर सकते हैं, भेज भी सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक पेपल अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है जो लिंक्ड होता है आपके बैंक अकाउंट के साथ। तो अगर आपका डेबिट या क्रेडिट कार्ड में कोई प्रॉब्लम आ रहा है या पेपल अकाउंट आपके डेबिट या क्रेडिट कार्ड में लिंक नहीं हो पा रहा है, तो आप अपने कोरस्पोंडिंग बैंक के साथ कॉन्टैक्ट कीजिए, उनको ये प्रॉब्लम बताइए, तो वो आपको आगे का फर्दर डिटेल्स बता देंगे कि आपका डेबिट कार्ड वीज़ा कार्ड है या आपको मास्टर कार्ड चाहिए या आपको अलग तरह का कार्ड चाहिए जिसके साथ आप पेपल अकाउंट को लिंक कर पाएँ। बेसिकली आपका जो पेपल अकाउंट होता है, ये बेसिकली आपका बैंक के साथ लिंक करना बहुत ही सिंपल होता है, वो आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। और उसकी मदद से और ऑनलाइन इनकम के जो साइट मैंने आपको बताए हैं, बेसिकली सारे साइट के पेमेंट पेपल के थ्रू आ जाते हैं। तो आज हम सीखेंगे कैसे पेपल अकाउंट बनाया जाता है, उसको कैसे यूज़ किया जाता है, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। उसके अलावा समझिए, आप अगर इंडिया में हैं, आपको कहीं पे बाहर पे पैसा भेजना है, तो मेरे लिए सबसे आसान क्या होगा, मैं अपने वेस्टर्न यूनियन के थ्रू पैसे भेज दूंगा या बैंक ट्रांसफ़र कर दूंगा। लेकिन ऐसे में अगर आपके पास एक पेपल अकाउंट होता है और वो लिंक्ड होता है आपके बैंक के साथ, तो बड़े आसानी से आप अपने पेपल अकाउंट से किसी को भी पैसा भेज सकते हैं। पेपल अकाउंट का एक ईमेल एड्रेस होता है, वो ईमेल एड्रेस खाली आपसे वो लेना है, ना तो चाहिए आपको कोई अकाउंट नंबर, ना तो चाहिए आपको कोई आईएफएससी कोड, आपको खाली वो ईमेल एड्रेस चाहिए जो कि नॉर्मल ईमेल एड्रेस होता है। तो वो ईमेल एड्रेस आपको पेपल अकाउंट में डालना पड़ेगा और लिंक्ड करना पड़ेगा, ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा और नेक्स्ट करके चले जाना है। वहाँ पे आप अपने $100 या $200 जो भी पैसा भेजना चाहते हैं वो डाल दीजिए और सेंड पे क्लिक कर दीजिए, डायरेक्ट वो पेपल अकाउंट के थ्रू जिसके पास आप भेजना चाहते हैं उसके पास पहुँच जाएगा और पेपल अकाउंट से डायरेक्टली वो पैसे उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो पूरा जो सिस्टम है, पूरा सिक्योर सिस्टम है, तो इससे आप आसानी से पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो उसके लिए ना तो मुझे बैंक जाना पड़ा, ना तो आपको वो पेमेंट रिसीव करने के लिए बैंक में जाना पड़ा। मैंने अपने घर से पैसे सेंड कर दिया, आपने भी अपने घर से वो पैसे रिसीव कर लिया। तो ऐसे करके पेपल काम करता है। उसके अलावा समझिए कि आप किसी ऑनलाइन शॉपिंग साइट से शॉपिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे किसी किसी साइट में आपने देखा होगा कि वहाँ पे कार्ड नंबर डालना पड़ता है, एक्सपायरी डेट डालना पड़ता है, CVV कोड डालना पड़ता है। तो ऐसे में अगर आपके पास एक पेपल अकाउंट है, तो बड़े इजीली आप पेपल अकाउंट से अपना परचेस कर सकते हैं। पेपल अकाउंट अगर आपके बैंक के साथ लिंक्ड है, तो आपका पेपल अकाउंट का नंबर वहाँ पे दे दीजिए, पेपल अकाउंट का ईमेल एड्रेस वहाँ पे दे दीजिए और बड़े इजीली आप उस चीज़ को पेपल के थ्रू परचेस कर सकते हैं और पेपल के थ्रू आप पेमेंट दे सकते हैं। इसके लिए आपको खाली ऑथेंटिकेट करना है, आपका ID को लॉगिन करना है, ऑथेंटिकेट करना है और नेक्स्ट करते जाइए और पेमेंट सेंड कर दीजिए। पेपल में आपका डिटेल्स बड़े ही सेफ तरीके से स्टोर्ड होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पेपल के बारे में बता रहे हैं, पेपल के बारे में आपको बताया जा रहा है कि पेपल अकाउंट कैसे बनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, पेपल अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आपको www.paypal.com ओपन करना है। उसके बाद साइन अप पे क्लिक करके आपको इंडिविजुअल पे क्लिक करना है। यहाँ पे इंडिविजुअल बिजनेस दो अकाउंट बन सकते हैं, तो इंडिविजुअल पे क्लिक करके कंटिन्यू। इसके बाद आगे के पेज में आपको डिटेल्स भरना है। डिटेल्स में और कुछ नहीं, यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस देना है।
यहाँ पे पासवर्ड देना है। रीएंटर पासवर्ड। तो दोस्तों कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपको अपना डिटेल भरना है। डिटेल में और कुछ नहीं, यहाँ पे अपना पर्सनल डिटेल भरना है। दोस्तों ये एक बैंक अकाउंट की तरह है, तो आपको सही डिटेल ही भरना पड़ेगा, नहीं तो आपका ये अकाउंट एक्टिवेट नहीं होगा। तो मैं डिटेल भर देता हूँ। पूरा डिटेल भरने के बाद आई एग्री कीजिए, उसके बाद कंटिन्यू कीजिए। दोस्तों क्रिएट होने के बाद यहां पे आपका कार्ड लिंक करना पड़ेगा, तो यहां पे अपना कार्ड नंबर देना पड़ेगा। तो अगर आप कार्ड नहीं देना चाहते हैं तो लेटर पे क्लिक कर दीजिए और स्किप कर दीजिए। तो स्किप करने के बाद आपका ये पेज ओपन होगा, यहाँ पे दिखाएगा कि योर पेपल अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड। ठीक है, यहाँ पे चार ऑप्शन मिलेगा आपको, ऐड कार्ड, अगर आप कार्ड ऐड करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड ऐड करना चाहते हैं इसमें, तो यहाँ पे आप कार्ड पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा, शॉप कर सकते हैं आप, वर्ल्ड शॉप कर सकते हैं, दुनिया भर में कहीं पे भी आप शॉपिंग कर सकते हैं और पेमेंट सेंड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों गो टू योर अकाउंट पे क्लिक करना है। गो टू योर अकाउंट पे क्लिक करने के बाद यहां पे आपको कुछ डिटेल्स भरने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, डिटेल्स में और कुछ नहीं, यहां पे आपको कुछ टास्क कंप्लीट करना पड़ेगा। यहां पे आपको डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड ऐड कर सकते हैं, आपका मोबाइल नंबर कॉन्फर्म करना पड़ेगा, कॉन्फर्म ईमेल करना पड़ेगा, उसके बाद बैंक के साथ लिंक करना पड़ेगा। तो हम लोगों का अकाउंट क्रिएट हो गया, हम लोग क्रेडिट या डेबिट कार्ड ऐड नहीं करेंगे। अगर आप कहीं पे पेमेंट भेजना चाहते हैं, बाहर इंडिया के बाहर आप पेमेंट भेजना चाहते हैं, या इंडिया के बाहर के कोई साइट से, विदेशी साइट से आप कुछ कुछ परचेस करना चाहते हैं, तो क्रेडिट या डेबिट कार्ड को आप ऐड कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे ये ऑप्शन छोड़ रहा हूँ। दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप क्रेडिट या डेबिट कार्ड को ऐड करेंगे तो आपका अकाउंट हैक हो जाएगा या वहां से पैसे चोरी हो जाएंगे। इस बारे में पेपल एकदम सिक्योर है, अभी और भी सिक्योर हो चुका है, तो ये सेफ तरीके से पेपल काम करता है। तो हम लोग पहले मोबाइल नंबर कन्फर्म करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग मोबाइल नंबर पे कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे मोबाइल पे कोड आएगा, वो कोड आपको डालना पड़ेगा।
दोस्तों कोड आने के बाद हम लोग कोड डाल देते हैं। वैलिडेट कर दीजिए, अकाउंट क्रिएट हो गया है, मोबाइल नंबर भी कंफर्म हो गया है। अभी हम लोग ईमेल को कंफर्म करेंगे, तो कंफर्म ईमेल पे क्लिक करते हैं, सेंड ईमेल। तो पेपल आपको एक मेल सेंड करेगा जो कि आपके जीमेल के इनबॉक्स में आएगा। तो ये मेल आ गया है, तो इसको हम लोग कंफर्म करते हैं। यहाँ पे आपको पासवर्ड देना पड़ेगा, पेपल का पासवर्ड आपको देना पड़ेगा। तो दोस्तों ईमेल भी कंफर्म हो चुका है। अभी हम लोग बैंक अकाउंट को लिंक करेंगे, तो लिंक बैंक अकाउंट पे क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर देना पड़ेगा। यहाँ पे IFSC कोड देना पड़ेगा। तो दोस्तों IFSC कोड आपको अगर नहीं मिलता है तो अपने कोरस्पोंडिंग बैंक के साथ कांटेक्ट कीजिए और IFSC कोड ले लीजिए, और नहीं तो आपके पासबुक में भी IFSC कोड मिल जाएगा। नहीं तो बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहां से आप IFSC कोड अपने शहर का निकाल सकते हैं, तो वहां से भी आप अपना IFSC कोड निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे IFSC कोड दे देता हूँ। कंटिन्यू कर देते हैं। कंटिन्यू करने के बाद पेपल 4 से 6 दिनों के अंदर आपको दो छोटी छोटी अमाउंट भेजेगा, जैसे 1.01 रुपीस से लेके 1.50 रुपीस, ठीक है। तो आपको दो छोटे छोटे बॉक्स मिलेंगे, तो दो छोटे छोटे बॉक्स में आपको बैंक अकाउंट कंफर्म करना पड़ेगा। तो अगर आप सोमवार को पेपल अकाउंट क्रिएट करते हैं तो शुक्रवार तक आपको ये पैसे मिल जाएंगे, अकाउंट में आ जाएंगे, पेपल आपके अकाउंट में भेज देगा। तो आप क्या करेंगे, वहां से कंफर्म पे क्लिक कीजिए। बैंक अकाउंट कंफर्म पे क्लिक करने के बाद आपको दो बॉक्स मिल जाएंगे, तो दो बॉक्स में एक बॉक्स में दे दीजिए 1.01 रुपीस, एक बॉक्स में दे दीजिए 1.50 रुपीस। उसके बाद कंफर्म पे क्लिक करने के बाद आपका अकाउंट पेपल के साथ लिंक हो जाएगा, और जो भी आप काम करेंगे ऑनलाइन साइट पे वो पैसे आप पेपल के थ्रू डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बताया गया है कैसे पेपल अकाउंट क्रिएट करना है, कैसे पेपल अकाउंट से पेमेंट लेना चाहिए, उसका सिस्टम आपको बताया गया है। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।